Hello everyone, how are you all? Hoping everyone is doing fine. So today I am back with again conditional sentences. तो पिछले वाली क्लास में मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में बताया था और उसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है लाइफ में वो बताया था. बिकॉज कई बार हमें खुद एक कंडीशन देते हैं अपने लाइफ में कि अगर ऐसा हो तो ऐसा मैं करूँ वगैरह वगैरह. तो उसमें मुख्यतः तीन तरह के मैंने बताया था आपको. ओपन कंडीशन, इसे पॉसिबल कंडीशन भी कहते हैं या प्रोबेबल कंडीशन भी कहते हैं. दो क्लोज होते हैं हमेशा कंडीशनल में, इफ़ क्लोज एंड मैन क्लोज. ये सब मैंने बातें आपको बता रखी. इफ़ क्लोज आप पहले लिख सकते हो और बाद में मैन क्लोज लिख सकते हो. मैन क्लोज को आगे ला सकते हो, इफ़ क्लोज को बाद में रख सकते हो. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की श्रेणी में आता है. अभी मैंने बहुत आगे का बता दिया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ऐसे समझना थोड़ा मुश्किल होता है बिगिनर्स के लिए, लेकिन चलो इतना तो आपको समझ में आ गया कि इफ़ के साथ जो वाक्य लिखते हैं वो कौन से टेंस में लिखा जाएगा. अगर ओपन कंडीशन है तो वो प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाएगा इफ़ के साथ में, और उसके आगे वाला जो होगा वो फ्यूचर सिंपल में. इतनी सी बात भी अगर आप याद रख लेते हैं तो बहुत ही है, क्योंकि इसी पैटर्न से आपका फिलिंग द ब्लैंक्स भी आएंगे. मैं आज भी करके बताऊंगा आपको, मिक्स डालूंगा और मैं करके बताऊंगा. तो ओपन कंडीशन होने के बाद में फिर मैंने आपको उसी का छोटा रूप है, भाई कह सकते हैं छोटा, नेचुरल कंडीशन. उसमें अगर एक कंडीशन आप क्रिएट कर देते हो तो दूसरी कंडीशन स्वतः ही हो जाती है, उसको फिर हम रोक नहीं सकते हैं. ऊपर वाले में तो एक चॉइस है कि मैंने ये कंडीशन क्रिएट की और उसके बाद में मैं चाहूँ तो अपना डिसीजन बदल भी सकता हूँ. वो दोनों मैंने आपको करा दिया था. उसके बाद मैंने आपको लिखवाया था कि इमेजिनरी कंडीशन होती है और इम्पॉसिबल कंडीशन. आज मेरा पूरा फोकस आपको इमेजिनरी कंडीशन करवाने में रहेगा, क्योंकि काफ़ी कुछ कल्पनाओं से जुड़ा हुआ रहता है हमारी लाइफ में और उसे हमें लिखने की ज़रूरत पड़ती है. तो वो सारी चीज़ें हम आज कवर कर लेते हैं. तो इमेजिनरी कंडीशन का मतलब तो यही समझ में आ गया कि एक ऐसा शर्त, और वो शर्त कह लो कि अपने लिए या किसी और के लिए, कि जो एक मात्र कल्पना है. मतलब इसे ये कह सकते हैं कि दिस कंडीशन इज थॉट टू बी ओनली इमेजनरी एंड द स्पीकर, मतलब जो बोल रहा है, ही थिंक्स दैट इट इज ओनली हिज इमेजिनेशन एंड इट विल नॉट बी कंप्लीटेड इन नियर बाई फ्यूचर. नियर बाई फ्यूचर में तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, और हो सकता है कि लाइफ टाइम में भी संभव नहीं हो. जैसे मैं अगर बोलूं कि यदि मैं चिड़िया होता यानी बर्ड होता तो मैं आसमान में उड़ता, तो ह्यूमन लाइफ अगर मुझे मिल गई है तो इस लाइफ में तो मैं बर्ड बन नहीं सकता. पर अगर मैं ऐसा बोलता हूँ यदि मैं प्रधानमंत्री होता, अभी नहीं हूँ, हो सकता है फ्यूचर में कोई ऐसा हो तो कोई भी बन सकता है. तो कुछ कंडीशंस तो जो है बिल्कुल ही पूरे कभी होने के चांस नहीं है, और कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जो मात्र अभी कल्पना होती है और कल्पना ही है, लेकिन फ्यूचर में, दूर के फ्यूचर में हो सकता है कि किस्मत ने अगर पलटा मारा तो किया जा सकता है. तो ऐसे वाक्यों को कैसे लिखा जाता है, एग्जाम में कैसे आता है, वी आर गोइंग टू सी टुडे. ओके, लेट्स सी नाउ. तो मैंने हेडिंग तो डाल रखी है पहले से, कंडीशनल सेंटेंसेस इमेजिनरी, ब्रैकेट में मैंने ये डाल देना है आपके लिए. तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इमेजिनरी क्या है. अब इसकी क्या फॉर्मेशन है, उस फॉर्मेशन से इस फॉर्मेशन में क्या अंतर है, ये बहुत ही अलग सा फॉर्मेशन है. मैं दो बना देता हूँ इसके, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा. जो भी सब्जेक्ट है इफ क्लॉज के लिए, तो मैं ऐसे बना देता हूँ आपके लिए, इफ प्लस सब्जेक्ट. जो भी सब्जेक्ट है, इफ के बाद में सब्जेक्ट ले लो, आई यू वी दे, जो भी आप लेना चाहें. उसके बाद में बी की फॉर्म आती है. ये बी की फॉर्म सिर्फ और सिर्फ वर ही आता है, ये खास बात है इसकी. अब था ऐसा अर्थ कुछ नहीं निकलता है इसके अंदर, और यहाँ वॉज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है, सिर्फ वर का प्रयोग होता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो. यहाँ पे आई भी अगर आ रहा है तो भी वर ही आना है, ये ध्यान रखना है. आई के साथ जनरली वॉज आता है. अब यहाँ से सोचना शुरू करना चाहिए कि ना तो घटना घटी है, ना घटना घटने की कोई संभावना है नियर फ्यूचर में. देन ऑल्सो वी आर यूजिंग पास्ट, सो दिस इज वॉट इट इज टोल्ड दैट इट इज सिम्बॉलिक, एक प्रतीक बना दिया गया है, और उस प्रतीक के हिसाब से ये तुरंत पकड़ में आ जाता है कि ओ दिस इज इमेजनरी. तो आपका इफ आ गया, इफ आने के बाद में आपका सब्जेक्ट जो भी है वो आ जाएगा. ओके, डन.
देन यहाँ पे सिर्फ आपको बी की फॉर्म अगर यूज करनी है तो बी की फॉर्म सिर्फ वर आएगी, उसके बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट वगैरह है तो वो जुड़ जाएगा आपका, और फिर कॉमा लगा लो, और उसके बाद में फिर जो दूसरा सब्जेक्ट है वो आ जाएगा, उसके बाद में फिक्स है वुड ही आना चाहिए। वैसे कुड भी आता है, शुड भी आ सकता है, जैसे जैसे आगे नॉलेज बढ़ेगी आपको आपको खुद पता लगेगा, लेकिन मैं आज सिर्फ वुड से जा रहा हूँ, ये वुड ही ज़्यादा इमेजरी क्रिएट करता है। तो एक बार वापस देख लेते हैं फॉर्मेशन, इफ आ गया यहाँ पे, सब्जेक्ट आ गया, कोई भी सब्जेक्ट आ रहा है तो वर आएगा, उसके बाद हमें अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, उसके बाद कॉमा लगेगा सब्जेक्ट। अब एग्जाम में क्या होगा, आपको यहाँ पे भरने के लिए बोल सकता है एग्जामिनर, अगर वो वर्ब भरवा रहा है या आपको मॉडल भरवा रहा है तो यहाँ पे आपको भरवा सकता है, आपको तुरंत पता लग जाएगा देख के अगर वुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, इधर कॉमा लगा हुआ है या इफ से शुरुआत हो रही है, बी की फॉर्म दी हुई है, इसका मतलब वर आएगा, और अगर यहाँ पे वर दिया हुआ है फिर आगे आपको मिल रहा है और वहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म भी है और यहाँ पे ब्लैंक है और मॉडल भरने के लिए बोल रहे हैं, देन यू हैव टू फिल अप वुड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक वाक्य बना के बताता हूँ, उसी का ब्लैंक भी बना लेंगे, जो मैंने अभी बोला था क्लास शुरू होने पर, यदि मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता, ऐसा अगर होता तो। अब यहां पे इफ आ गया, आई आ गया, ये आपको बी की फॉर्म यूज करना पड़ेगा, इफ आई वर ए बर्ड, हो गया आपका, ये आपसे भरवाएंगे, ट्रांसलेशन में भी कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको, इफ आई वर ए बर्ड कॉमा आई, सब्जेक्ट आ गया आपके लिए वुड फ्लाई इन द स्काई, ये आपका तैयार हो गया। आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ये भरवा सकते हैं, अगर ये भरा हुआ होगा तो उधर भरवा सकते हैं, उधर भरा होगा तो इधर। अब वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, ही कैन शिफ्ट दिस मेन क्लॉज दिस साइड एंड इट कैन बी रिटन दैट साइड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओपन कंडीशन वाले में भी मैंने आपको समझा दिया था, दे कैन चेंज एंड यू कैन ऑल्सो चेंज, लाइक सपोज आई से आई वुड फ्लाई इन द स्काई इफ आई वर अ बर्ड, और इफ आई स्पीक लाइक वाइज इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, इन बोथ द केसेज द मीनिंग इज सेम। समझ में आ गया होगा आपको। अब एक और यही है वैसे, लेकिन मैं थोड़ा उसको और रीजनिंग कर देता हूँ। मान लो मेन वर्ब यूज करना हो तो वो सेकेंड फॉर्म आएगी, भाई बी की जैसे सेकेंड फॉर्म बीन होती है और उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वाच वर्ब बनता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वर्ब वर ही लेना है अपने को, सेकेंड फॉर्म भी आ सकती है, सेकेंड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, लेकिन ये कैसे पता लगाएंगे आगे, वैसे ही वुड से ही पता लगेगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर कोई है। अब मान लो कि मेरे पास में एक वाक्य है अपने दोस्त के लिए है, लेकिन मुझे पता है वो मेरी सहायता नहीं मांगेगा, यदि वह कहे, मैं ऐसा मानता हूँ कि वो कहेगा नहीं, ऐसा मान के चल रहा हूँ, यदि वो कहे तो मैं उसकी सहायता करूँ, मुझे पता है कि किसी भी हालत में वो नहीं मांगने वाला सहायता, पर इमेजिन कर रहा हूँ मैं कि अगर वो कह दे तो मैं उसकी सहायता करूँ, तो अगर ये मेरे इमेजिनेशन है, ये मेरी कल्पना है, देन आई हैव टू गो विद दिस फॉर्मेशन, बिकॉज मेन वर्ब है कहे। अब आपको क्या होता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है जब ये भरना आता है, क्योंकि सब कुछ पास्ट का दिख रहा होता है, बिल्कुल भी ना तो घटना घटी है, ना घटने की संभावना है, ना घटेगी, जो भी कह सकता हूँ मैं, फिर भी क्योंकि ये सिंबॉलिक बना दिया, और इसकी पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका है बी की फॉर्म वर्ब भरा जाएगा, ये लिखा मिलेगा आपको, और वुड के बाद में फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे सेकंड फॉर्म और कॉमा, और उसके बाद वुड वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अगर आपने ये फॉर्मेशन पकड़ ली तो इसका मतलब वो इमेजनरी है इफ़ के साथ में, और आगे पीछे तो किया ही जा सकता है। तो मैं इसका ट्रांसलेशन कर देता हूँ, और मान लो ये ऐसे हो, इफ़ ही, कहना का मतलब पूछना ही हो गया, इसलिए मैंने वर्ब आस्क ले लिया है। अगर मान लो ब्रैकेट में आपको आस्क देते हैं भरने के लिए, आपको आस्क भरना होगा, सो इफ ही आस्क तो के लिए कॉमा, आई वुड हेल्प
तो ये आपका हो गया इमेजनरी का। अब मान लो कि मैं इसके ऊपर एक ओपन कंडीशन का बनाता हूं, तो उसमें और इसमें कैसे डिफरेंस करके एग्जाम में भरे वो भी अभी क्लियर कर लेते हैं। इफ सी कम आई विल गो सिनेमा, सपोज ऐसा दिया हुआ। अब आपको यहां से पता लग जाए ये ब्लैंक तो ऐसे दिखेगा, लेकिन यहां से आगे से पता लगाना था। यहां विल प्लस फर्स्ट फॉर्म है, इसका अंदर यहां ओपन कंडीशन में आ रहा है। वुड प्लस फॉर फर्स्ट फॉर्म है तो इमेजनरी में आ रहा है। इधर सेकंड फॉर्म भरा हुआ है या वर भरा हुआ है, उधर भरना मॉडल वुड आएगा। और ये अगर है तो इधर भरा हुआ है तो आपको उधर फ्यूचर सिंपल में भरना पड़ेगा। तो यहां पर उत्तर क्या बन जाएगा, इफ सी कम्स, ये ओपन का हो गया। तो दोनों का डिफरेंस भी मैंने बता दिया, ओपन का हो गया और ये आपका इमेजनरी का हो गया। एंड मोरवे इट इज सो यूजफुल। इसके और भी थोड़े बहुत हैं आगे, वो भी मैं बताऊंगा, बट एज फार एज इमेजनरी इज कंसर्न, इफ यू लर्न दिस मच ऑल्सो आई होप यू विल बी एबल टू फिल अप इन द एग्जामिनेशन एज वेल एज इट विल बी सो यूजफुल फॉर यू वाइल स्पीकिंग एंड राइटिंग। विद दैट आई एंड दिस क्लास, बट बिफोर दैट अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज शेयर and subscribe our channel. Thank you very much. Have a nice day. God bless you all.